जैसे जो भी आप करना चाहते हो उसमें उस बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने होते हैं कि मैंने किया, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं मिल रहा? आप कह रहे हो ना मेरी आदत नहीं है ज्यादा क्वेश्चंस पूछने की, मेरी आदत है कर देने की, तो करो, ये अच्छी आदत है, ये बुरी नहीं है। आपने किया क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो क्वेश्चंस ही पूछते रहते हैं, कुछ करते ही नहीं है, उनका क्या फायदा है? वो तो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन हो गया ना। तो आपके माइंड में जो भी आ रहा है उसको कर दो प्रैक्टिकली, छोटे से छोटे लेवल पे। आपने किया फिर या तो रिजल्ट अच्छा आया या नहीं आया। अच्छा आया तो अपने आपसे क्वेश्चन पूछो क्या सही हुआ जिसकी वजह से अच्छा रिजल्ट आया, उसको और करो, उसको और अच्छे तरीके से करो, उसको और इंप्रूव करो। अगर रिजल्ट नहीं आया तो अपने आपसे क्वेश्चन पूछो क्या गड़बड़ हुई है। स्पेशली जो भी आप करना चाहते हो उस फील्ड में जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, अपने आपसे क्वेश्चन पूछो वो ऐसा क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया। बारीकी से उनकी एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करो। मान लो उनको 20 साल हो गए हैं वो करते हुए जो आप करना चाहते हो, तो 20 साल पहले से ले करके अभी तक उन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, क्या क्या उनके टर्निंग पॉइंट्स थे, उसको आराम से ऑब्जर्व करो, आराम से समझने की कोशिश करो कि जो भी आपका मार्केट लीडर है जिस भी डोमेन में आप जा रहे हो उसमें ऐसा क्या है, क्या थॉट प्रोसेस है उनकी। तो उसको कॉपी नहीं करना है, क्योंकि उसको कॉपी किया तो आप हमेशा उनको पकड़ने का गेम खेलते रहोगे और वो आपसे बहुत आगे हैं। अब देखो कि जो भी वो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तभी टॉप पे बैठे हैं, बट कहीं ना कहीं कोई गैप बचा हुआ है। मार्केट में गैप ढूंढना होता है ना, तो गैप आपको नजर आना चाहिए कि ये गैप है, उस गैप को फिल कर दो, हो गया काम। बट गैप तक पहुंचोगे कैसे, जब क्वेश्चन पूछोगे कि उन्होंने क्या किया, क्या मार्केट कैप्चर कर लिया, तब आपको नजर आएगा अच्छा ये वाला मार्केट तो पूरा उन्होंने कैप्चर कर लिया है, बट यहां पर तो बहुत बड़ा गैप है, इसकी नीड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लायर कोई भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में, लेट मी फिल दिस गैप। इस तरह से फिर आप मोमेंटम गेन करते चले जाते हो।